ओके गाइज, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो एंड होप सो दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रिलेटेड टू सेविंग योर सितंबर इनटेक की। अगर आपका सितंबर इनटेक है, आपने वीज़ा की फाइल लगा दी है, तो क्या कर सकते हो आप कि आपका सितंबर इनटेक बच जाए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि आपके पैसे जो फीस के आपने भरे हैं वो वेस्ट ना हो। तो पूरी वीडियो देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने, क्योंकि मैं लास्ट ईयर यही स्टेज में था, मेरा सितंबर इनटेक था लेकिन मेरा वीज़ा आया नहीं, इसलिए मुझे डेफर लेना पड़ा जनवरी में। तो क्या चीज़ें मैंने अच्छी की उसकी वजह से मैं बच गया और क्या आप अवॉइड कर सकते हो। तो पहले तो हम अगर देखें तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा अभी प्रोसेसिंग टाइम कितना चल रहा है, ठीक है। तो अभी IRCC का प्रोसेसिंग टाइम आपको जैसे पता ही होगा 2 मंथ्स 3 मंथ्स का दिखा रहा है उनकी वेबसाइट के ऊपर। तो वो एक तो प्रोसेसिंग टाइम हम ना चलते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट है कि नो योर करंट स्टेट एग्जाम्पल। पहले तो आप आपकी स्टेट समझिए कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। या तो आपने अप्लाई किया हो, या तो आप ऑफर लेटर के लिए वेट कर रहे हो, या तो आपकी इन प्रोसेस टू अप्लाई वीज़ा, ठीक है, कि जैसे आपने ऑफर लेटर आ गया हो और आप GIC का पेमेंट की रिसिप्ट का वेट कर रहे हो, या ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, हर एक पर्सन टू पर्सन। तो पहले तो वो जान लीजिए। फिर दूसरा है कि आप पहले तो अपनी कॉलेज को, तीसरा है कि आप अपनी कॉलेज को कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। सो कॉलेज को कॉन्टैक्ट करने का मतलब ये है कि आप अपनी कॉलेज को मेल कीजिए। एक कॉलेज का, हर एक कॉलेज का इंटरनेशनल डिपार्टमेंट होता है, तो उसको मेल कीजिए, उसको पूछिए। अगर आप ये स्टेज में हो कि आपने ऑलरेडी वीज़ा की फाइल आपने लगा दी है लेकिन आप आपके अप्रूवल का वेट कर रहे हो फॉर स्टार्टिंग ईयर सेप्टेम्बर इनटेक, तो आप उनको मेल कीजिए कि यार मेरा अभी वीज़ा नहीं आया है, ठीक है, यू कैन ड्राफ्ट। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको टेम्पलेट छोड़ दूंगा नीचे, ऐसा करना, मैं नीचे टेम्पलेट छोड़ दूंगा, वो आप कॉपी पेस्ट करना, सिर्फ नाम और कॉलेज चेंज कर देना, ठीक है। एंड उसमें आप उनको पूछ सकते हो कि भाई कितना टाइम, लाइक अगर मेरे वीज़ा नहीं आते तो क्या क्या मेरे पास चांसेस है। तो अगर आपको वो कहते हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, एक मंथ के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, और अगर उसके बाद अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन रिफ्यूज़ल आएगा तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, कॉलेज आपको ऐसा कहेगी, ज़्यादातर कॉलेज ऐसा होता है। अगर कई कॉलेजेस ऐसी भी होती है कि आपको पहले कहेगी कि भाई आप ऐसा करो रिफंड ही ले लो, मतलब हम आपको रिफंड नहीं देंगे अगर आप एक भी क्लास पढ़ोगे, तो उस केस में यही बेटर है कि आप अपना डेफर ले लो। एंड थर्ड केस है कि अगर आपका प्रोग्राम इन क्लासेस है, लाइक हाइब्रिड है, जो ज़्यादातर चांसेस होगा, तो फिर आपको पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डेफर जल्दी से जल्दी लेना पड़ेगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक बच्चा है जो लाइक 25-26 अगस्त तक वेट किया उसने, ठीक है, कुछ आया नहीं, तो उसको आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है 28-29 अगस्त, क्योंकि उसके क्लासेस अगर 6 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हो, तो उसको 1 सितंबर तक अपना डेफरल का एप्लीकेशन कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, बाद में हर एक बंदा जनवरी में करेगा, तो जनवरी इनटेक पूरा पैक हो जाएगा और आपको फिर कोई एक भी सीट नहीं मिलेगी। अगर ऐसा आपको अवॉइड करना हो तो मेक श्योर करिए कि आप पहले से ही अपना डेफरल कर दे थोड़ा आगे एक वीक, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, 5-6 तारीख को करेंगे, या 6 या तो फिर कॉलेज स्टार्ट होने के बाद करेंगे, लेकिन हम थोड़ा आगे करेंगे तो आपको जनवरी में मिलेगा, नहीं तो जनवरी भी मिस हो सकता है। क्योंकि जैसे आपको पता ही होगा, लाइक कनाडा में पता नहीं इतना क्या अभी हो गया है, लाइक सीरियसली कॉलेजेस की कोई भी एप्लीकेशन अच्छे अच्छे प्रोग्राम में नहीं मिल रही है, क्लासेस पैक हो गए, लाइक ऑफर लेटर मिलना इतना हार्ड हो गया है, ठीक है। एंड आप एक बार उनको अपना डेडलाइन पूछ लो एंड आस्क देम अबाउट व्हाट अबाउट ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपको वो रिफंड देंगे जैसे मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद आपका डिसीजन है। थिंक इफ़ यू हैव 1 मंथ फ्री, अगर आपका 1 मंथ फ्री है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते डेफिनेटली। क्योंकि मेरा पर्सनली बात करें, लाइक 2020 का जो मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था वीज़ा के लिए, लेकिन मेरा वीज़ा नहीं आया था। तो मैंने क्या किया था, मैंने कॉलेज को मेल किया था, कॉलेज ने क्या कहा कि आप ऑनलाइन, तब ज़्यादा था, तब ऑनलाइन का हिसाब किताब ज़्यादा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई दर्शन ऐसा कर, तू 21 सितंबर तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है। तो मैंने 2-3 वीक्स पढ़ा, ठीक है, और फिर उन्होंने क्या कहा कि तब तक बहुत सारे लोगों का वीज़ा नहीं आता, उन्होंने वो डेट एक्सटेंड करके 4 मंथ्स कर दी थी। पहला सेम आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, अगर इनकेस रिफ्यूज़ल भी आता है तो हम आपको पैसे वापस देंगे, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट सेम पूरा फुल ऑनलाइन किया। फिर उसके बाद जब फर्स्ट सेम की फाइनल एग्ज़ाम्स आती है, तो उसमें उन्होंने कंडीशन ला दी कि अगर आप फाइनल एग्ज़ाम्स में अपीयर करोगे तो हम आपको रिफंड नहीं दे सकते, ठीक है। एंड लकीली भगवान की कृपा से मैंने नहीं अपीयर किया एंड मुझे रिफ्यूज़ल आ गया था उसके बाद, ठीक है, लाइक 1 मंथ के बाद। तो अगर मैंने अपीयर कर दिया होता तो मेरे जो 8,000 जो मेरे फर्स्ट टर्म की फ़ीस थी वो भूल जाओ, मुझे नहीं मिलती। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये स्टेज में होंगे, तो
तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके $8,000 बिना मतलब के मत जाने दो। ऐसा होगा कि आपके वीज़ा भी नहीं आएंगे, आप ऑनलाइन पढ़ते रह जाओगे और आपके पैसे भी जाएंगे। अगर रिफ्यूज़ल आया तो फिर आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा एंड वो प्रोसेस अलग ही है। बट अगर आपको वो लोग कह रहे हैं कि हम रिफंड नहीं देंगे तो भाई उनको कह दो मुझे डेफरल ले लो फिर, ठीक है, थोड़ा वेट करके एंड ऑफ अगस्त तक आप अपना डेफरल ले सकते हो। तो ये थोड़ी सी कंडीशंस थी जो आप इसमें से किसी एक कैटेगरी में आप अगर फॉल करते हो, सितंबर इनटेक है तो आप चूज़ कर सकते हो। एंड नीचे आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा मेल का जिसमें हर एक क्वेश्चन मैंने ड्राफ्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो आपकी जो भी डरम जो भी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल डरम कॉलेज इंटरनेशनल है, तो आप अपनी गूगल पे जाके हम्बर कॉलेज इंटरनेशनल, शेरिडन कॉलेज इंटरनेशनल, उसके डिपार्टमेंट का मेल आईडी ढूंढिए, उसको मेल कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए, नाम चेंज कीजिए, कॉलेज चेंज कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। उनका रिप्लाई का वेट कीजिए, जब तक उनका रिप्लाई आता है तब तक, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में डेफिनेटली छोड़ देना, मुझे मैं आपकी आंसर करूंगा। कमेंट्स में छोड़ना, मुझे डीएम मत करना, ठीक है, कमेंट्स में छोड़ना ताकि आपको दूसरे स्टूडेंट्स भी आपको हेल्प कर सके अगर मैं ना कर सकूँ तो, इसीलिए कमेंट्स का यूज़ करना। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं ऐसे शेयर करने को नहीं बोलता लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक 8,000 की बात है, $8,000 इज़ नॉट अभी, और इतना इन्फ्लेशन है जब कैनेडियन डॉलर यूएस डॉलर अब जा रहे हैं INR की, आपको वैल्यू पता ही होगी, ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप अच्छे स्टेप लो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अभी तक आकर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बहुत सारे लोग देखते लेकिन करते नहीं है, बहुत ग्राफ हमारा नीचे जा रहा है, तो कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट हेल्प्स।